गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में कुछ नॉलेज दी जा रही है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। स्टिल लाइफ, जैसा कि नाम है, स्टिल यानी कि जो चीज़ें हिल ना सके, और लाइफ लाइफ का मतलब है उन चीज़ों की स्टडी करना। स्टडी मतलब उनमें उन चीज़ों का नेचर कैसा है, नेचर यानी कि वो किस चीज़ की बनी है, कपड़े की, मेटल की, ग्लास की। दूसरा, उनमें जो लाइट पड़ रही है यानी कि जहाँ से जो लाइट आ रही है, उस लाइट का उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि कहीं कहाँ कहीं पे हमें डार्क दिखाना है और कहीं पे लाइट दिखाना है। और जो हमारे पास जिन ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के साथ जो वो रखे हुए हैं, उनके कलर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है लाइट के कारण। तो इसमें आपको कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उनकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, लाइव स्टडी। तो ये जैसे लैम्प है, और एक जैसे ट्वाय है, राइनो, और ब्रशेज वगैरह रखी हुई हैं एक जार में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के आसपास रखी हुई हैं, यानी कि कंपोज हैं एक दूसरे से। तो पहले मैं इनको ऐसे रफली बनाऊंगा, लाइट ड्राइंग करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे जहां मेरे को डार्क दिखाई देगा यानी कि शेडो, उधर मैं डार्क करूंगा, और जहां पे मेरे को लाइट दिखेगा जैसे ये, उस चीज़ को मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दूंगा। जहाँ पे वाइट दिखे तुमको, इसका मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम लाइट है। तो देखिए, जब स्टिल लाइफ हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो उसमें हम जो हमारे पास पहले जो पेपर होता है, उसको हम सीट को कैसे लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल में लेंथ में ये चीज़ ज़्यादा है, तो मैंने पेपर की जो साइड है वो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा ली है। और उसके बाद हम इसमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे आगे का पार्ट होता है, इसको हम फोरग्राउंड बोलते हैं, और जो जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, इसको हम मिडिल ग्राउंड बोलते हैं, और जो पीछे का जो ये पोर्शन है, इसको हम बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये तीन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो स्टडी करते हैं, हमारे पास जो सीट होती है, उसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है। अगर इधर से लाइट आ रही है, तो ये पोर्शन लाइट होगा, और इधर यहाँ पे लाइट है तो इधर यहाँ पे डार्क होगा, यानी कि जितनी लाइट होगी उतना उसके साथ में डार्क होगा। तो ऐसे हम कम से कम चार, तीन या चार ऑब्जेक्ट रख के और उनकी स्टिल लाइफ में स्टडी करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट स्टडी भी बोला जाता है, स्टिल लाइफ यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्टिल हों, हिले ना, उनकी स्टडी करना। तो ऐसे डियर स्टूडेंट, आप भी अपने घर में जो भी अवेलेबल आपके पास ऑब्जेक्ट हों स्टिल, उनको रख के और ऐसे स्टडी करोगे, लाइव स्टडी करोगे, इससे आपको पता लगेगा कि कैसे किस चीज़ का नेचर कैसा होता है, और लाइट शेडो का जो इफेक्ट होता है उसको कैसे दिखाया जाता है। तो ये मैंने आपको एक लाइव डेमो दिया है। आपके लिए असाइनमेंट होगा कि आपके घर में जो ऑब्जेक्ट हैं उनको रख के आप स्टडी करो। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और इसको आप फॉलो करोगे।